हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। आइए फ्रेंड्स, उसके लिए जो जो चीज़ें हमें लगने वाली है वो हम देख लेते हैं। एक कप हमने बारीक सूजी लिया है, मैंने इस कप से मेजर करके लिया है। 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर है, चावल का आटा, ये एक बड़े साइज का आलू हमने बॉयल करके ग्रेट करके लिया है। कुछ सब्जियां हम लेने वाले हैं, जिसमें हमने एक बड़े साइज का प्याज बारीक कट करके लिया है। हरा मटर हमने लिया है, ग्रीन पीस, ये पालक है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है, गाजर है, धनिया पत्ती है और शिमला मिर्च है, और एक हरी मिर्च हमने बारीक कट करके ली है। मसाले में हमने नमक लिया है, स्वाद अनुसार लीजिए नमक, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है, ये चिली फ्लेक्स है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर लिए, हल्दी पाउडर, और पानी हमें लगेगा। गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें अभी यही कप से मेजर करके हम 1.5 कप पानी लेंगे। पानी को हम उबलने देंगे। फ्रेंड्स, पानी को उबल आ चुका है, इसमें हम अभी ये सूजी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 1.5 कप लिया था पानी, पर वो हमारे सूजी ने सब एब्जॉर्ब कर लिया है और उसको थोड़ा और पानी लग रहा है, तो ये मैं और 1/2 कप पानी इसमें ले रही हूँ। पर ये पानी मैंने साइड में गर्म करके लिया है, सूजी पुरानी हो तो ज़्यादा पानी लेती है वो, उस आपकी सूजी जिस प्रकार के है उस हिसाब से आप पानी लीजिए, मतलब नई है तो 1.5 कप पानी में अच्छे से हो जाता है, पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो गर्म ही पानी इसमें ऐड कीजिए। तो हमारी सूजी अच्छे से हो गई है तैयार। गैस का फ्लेम हमने लो पे रखा है और सभी सब्जियां हम इसमें ऐड कर लेते हैं। धनिया पत्ती मैं थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। ये आलू भी हम इसमें ही ऐड कर लेते हैं, तो सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सब्जियां हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अभी हम ये जो मसाले हमने लिया है ये सब डाल लेते हैं, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी पाउडर है, ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करके ले ली है और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये हमारा मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसमें हम ये 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी थोड़ा सा यूज करेंगे, तो ये भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें से हम गोले निकालेंगे और आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप इसे बनाइए। ये देखिए, ये इस तरह से मैं सभी बना लेती हूँ। आप इसे कबाब बोल सकते हैं, कटलेट बोल सकते हैं, और साइज भी आपको कम ज़्यादा छोटा बड़ा जो करना है आप कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा रोस्टेड तिल ले लिया है, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा डालेंगे और इसको जस्ट ऐसा प्रेस करेंगे। दोनों साइड से हम इसे इस तरह से लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमने सभी के ऊपर तिल लगा ली है, अभी हम इसे शैलो फ्राई करके लेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये कटलेट हम इसमें डाल लेते हैं।
जितने एटाइम बैठेंगे उतने डालेंगे। ये 6-7 जो है मैं सभी डाल रही हूँ। हम इसे एक साइड से अच्छे से कलर आने देंगे। 3-4 मिनट हमने इसे ऐसा ही रखा है। अभी हम दूसरी साइड को इसे पलट लेते हैं। ये देखिए एकदम धीरे से पलटना है इसको। ये देखिए वापिस से 3-4 मिनट हम इसे कलर आने तक ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको कितना अच्छा कलर आया है दूसरे साइड से भी। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते और इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हमारे कटलेट बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सर्व भी कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है उनके ऊपर और कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए आप, ये हमारे कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।